टोटल ज्ञान में मैं बहुमलाल यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज के लिए लेकर आया हूँ मैं एक होम डिज़ाइन जो कि 40x20 का प्लॉट है और इसमें 2.5 फीट की एक गैलरी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वेटिंग रूम दिख रहा है, यहाँ पर जो कि 12x12 का है। उसके आगे चलेंगे, यहाँ पर एक जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ये कर्सर वाले में, तो ये है 8 फीट का। यहाँ पर एक स्पेस दिया रखा है ताकि आप गाड़ी पार कर सकें। और इसी के आगे यहाँ पर सीढ़ी दी रखी है, टॉयलेट, यहाँ पर बेडरूम, और यहाँ पर मेहमानों को ये भोजन के लिए यहाँ पर एक स्पेस दिया है 12x12 का, और 8x12 का यहाँ पर एक किचन है। तो ये बिल्डिंग का 3D मॉडल है। अब देखिए मैं 3D में आपको दिखा रहा हूँ और एक एक से कमरे में लेकर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको ये ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर देख लीजिए एक वेटिंग रूम है, उसके आगे वाले में ये सीढ़ी वाला, उसके साइड से टॉयलेट, यहाँ पर टॉयलेट है। उसके बाद में यहाँ पर टॉयलेट के बाद में यहाँ पर है ये बेडरूम, ये मेहमानों के भोजन की व्यवस्था के लिए, और ये किचन। और फर्स्ट फ्लोर के बाद में ये सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में यहाँ पर आपको सामने एक अच्छा खासा स्पेस वाला कमरा मिला है। उसके साइड से ही कुछ ओपन एरिया है, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। इसकी सजावट मैंने ज़्यादा की नहीं, तो ये मैंने भी खाली रखा है। आप जिसका भी यूज़ करना चाहे उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके आगे में सीढ़ी, सीढ़ी साइड से वापस टॉयलेट की और टॉयलेट, और यहाँ पर ये 3 फीट की एक गलियारा दे रखा है ताकि आप आगे के रूम में जा सकें। यहाँ पर आप चाहें तो बेडरूम वेडरूम बना सकते हैं या किसी और काम में भी इस रूम को ले सकते हैं। उसकी मैंने डिजाइनिंग की है। और लास्ट में मैंने फिर एक बेडरूम बनाया है जो कि 16x20 का है, जो कि अच्छा खासा स्पेस है इसमें। और यहाँ पर देखिए आप, LED TV, सोफा, बेडरूम, ये बेडशीट, अलमारी, बाकी शोकेस भी आ जाएंगे। एक पीछे विंडो भी दी रखी है। और मैं आपको इसका पूरा मॉडल दिखाने वाला हूँ। जब ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ इस तरह दिखेगी। देख लीजिए यहाँ पर, ये नीचे वाला भाग, यहाँ पर स्पेस, ये सामने से कुछ ओपन एरिया साइड से, और इसका या अगर आप दोनों साइड स्पेस है तो आप इस तरह पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर स्पेस है तो यहाँ पर आप कुछ विंडो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाले में, नीचे वाले में भी आप चाहें तो इधर से विंडो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हवा के लिए कुछ जाली रख सकते हैं। और इधर वाला भाग मैंने पहले ही ओपन रख दिया यहाँ पर। और इधर आपकी साइड से अगर जगह है या रूम निकला हुआ है, यहाँ पर आप एक दो विंडो नीचे के बेडरूम में ऐड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आपकी कोई डिज़ाइन हो तो कमेंट बॉक्स में उसका पूरा डिटेल दे देना।